माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की धक धक गर्ल कहलाती है। उनकी मोहक अदाएं और दिलकश मुस्कान आज भी लोगों के दिलों पर जादू चलाती है। माधुरी को बॉलीवुड की मोहिनी भी कहा जाता है। 90 के दशक में जब श्रीदेवी की चांदनी की चमक फीकी पड़ी थी, तब माधुरी ने ही उनकी हीरोइन नंबर वन की कुर्सी अपने नाम की थी। कई साल तक माधुरी बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइन का ताज पहनकर सिनेमा के पर्दे पर राज करती रही। आज भी उनके दीवानों की गिनती लाखों में होती है। माधुरी का चार्म आज भी फीका नहीं पड़ा, बल्कि उनकी बढ़ती उम्र के साथ उसमें इजाफा ही हुआ है। एक दौर था जब माधुरी पर करोड़ों लोग फिदा थे। उन लोगों में कई बॉलीवुड अभिनेताओं के नाम भी शामिल है। ये तो सब जानते हैं कि डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ घर बसाने से पहले माधुरी ने संजय दत्त और क्रिकेटर अजय जडेजा को दिल दिया था। लेकिन कम ही लोग ये बात जानते हैं कि माधुरी के दीवानों की लिस्ट में सुपरस्टार मिथुन दा का नाम भी शामिल है। जी हाँ, एक दौर था जब मिथुन मनमोहिनी माधुरी पर इस तरह फिदा हुए थे कि अपनी हर फिल्म में वो माधुरी को ही साइन करना चाहते थे। लेकिन माधुरी पर लगा था मिथुन को धोखा देने और उनका फायदा उठाने का इल्जाम। जी हाँ, ये इल्जाम जितना शॉकिंग है उतना ही सच भी है। यह तब की बात है जब मिथुन दा की गिनती बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में से होती थी और माधुरी बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उस दौर में माधुरी के सेक्रेटरी रिंकू राकेश नाथ माधुरी के लिए नई नई फिल्मों के ऑफर्स लाने की कोशिश में रहते थे। वह अलग अलग फिल्म निर्माताओं से माधुरी को अपनी फिल्म में लेने की गुजारिश किया करते थे। कहते हैं कि एक दिन रिंकू राकेश नाथ माधुरी की तस्वीरें लेकर मिथुन दा के पास भी गए थे। माधुरी की तस्वीरें देख मिथुन दा भी उनके चार्म से बच नहीं पाए और उनके दीवाने हो गए। माधुरी की तस्वीरें देखते ही मिथुन ने उन्हें अपनी फिल्मों में लेने का फैसला किया। कहा जाता है कि मिथुन धीरे धीरे माधुरी के दीवाने होते चले गए। माधुरी और मिथुन दा ने प्रेम प्रतिज्ञा और इंसाफ जैसे फिल्मों में काम किया। इसके अलावा भी माधुरी के साथ उन्होंने कई फिल्में साइन की थी। लेकिन बाजी तब पलटी जब माधुरी की फिल्म तेजाब ब्लॉकबस्टर साबित हुई और माधुरी को रातों रात सुपरस्टार का दर्जा हासिल हो गया। तेजाब की सफलता के बाद माधुरी के दीवारों की गिनती भी बढ़ गई और उन्हें काफी काम भी मिलने लगा। कहते हैं कि तेजाब से मिली सफलता के बाद माधुरी ने मिथुन चक्रवर्ती को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। मिथुन के साथ उन्होंने जितनी भी फिल्में साइन की थी उन्हें छोड़ने के लिए वह बहाने बनाने लगी थी। माधुरी ने फिल्मों की शूटिंग के लिए डेट्स ना होने का बहाना बनाया। मिथुन के पूछने पर भी उन्होंने डेट्स ना होने का जवाब दिया। धीरे धीरे मिथुन दा को अंदाजा होने लगा कि माधुरी उन्हें जानबूझकर इग्नोर कर रही हैं। वह अब उनके साथ फिल्में करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये अंदाजा हो जाने के बाद मिथुन दा को ये समझने में देरी नहीं लगी कि अभी तक माधुरी उनका फायदा उठाती आ रही थी। माधुरी ने अपना करियर बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया था। इसके बाद मिथुन दा ने भी माधुरी से दूरियां बना ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।